तो क्या आप लोग ठान लिए हो कि आप लोग को यूट्यूबर बनना ही है, एकदम यूट्यूब पर कदम रखना ही है? तो क्या आप लोग इनको जानते हो? ये देखो इधर नीचे, 5 घंटा पहले कितना व्यूज आ रहा है? 46,000। 1 दिन पहले कितना व्यूज आ रहा? 80,000 के अंदर। और पहले अगर हम लोग जाते हैं तो कितना आता? 2 लाख 3 लाख। छोड़ो इनको, इनको तो लेकिन जानते ही हो, ठीक है, इनको छोड़ो, इनको देखो। इधर देखो दोस्तों, 2 दिन पहले ये तो आज लाइव स्ट्रीम है, कितना व्यूज है? 40,000। और थोड़ा पीछे चल जाते हैं, इधर देखो 3 दिन पहले 25,000। अब पहले का देखो, 1 मंथ पहले 1.5 लाख 2 लाख। छोड़ो इनको भी छोड़ो, इनका देखो, इनको तो जानते ही हो। YouTube चैनल सर्च करने पर देखो, YouTube रिलेटेड वीडियो 1 दिन पहले कितना व्यू? 4,000। गाइस चैनल पर सब्सक्राइबर्स आप लोग देखे, इन 3 लोगों को जो मैंने दिखाया, एक मनोज भाई है, एक टेक चैंपियन सपोर्ट सर है, एक है क्रिएटर सच 2.0। गाइस तीनों का मैंने आप लोग को जो दिखाया यूट्यूब चैनल, इन लोगों का आपने सब्सक्राइबर को नोटिस किया? कितना सब्सक्राइबर है गाइस सबका? इनका है 1 मिलियन और टेक चैंपियन सपोर्ट का है 2 मिलियन और इनका है 5 मिलियन, ठीक है। तो गाइस इतना बड़ा बड़ा और व्यूज कैसा आ रहा, देख रहे हो? 4,000 1 दिन पहले। गाइस हम लोग अगर डाल रहे हैं तो हम लोग का 1,000 आ जा रहा, जबकि गाइस हम लोग का कितना छोटा चैनल है, इतना बड़ा बड़ा चैनल पर 4,000 5,000। अब मैंने इन लोगों को क्यों दिखाया? तो गाइस देखो, अगर YouTube पर आप लोग कदम रखते हो तो इन 3 फेसों से आप लोग को गुजरना पड़ेगा। अगर इन 3 फेस से नहीं गुजरना पड़ेगा तो इनका तो फेस आप लोग को देखने को मिलेगा ही, क्योंकि YouTube का अगर आप लोग कुछ छोटा से भी छोटा चीज अगर सर्च करते हो तो ये मनोज भाई का वीडियो आपके सामने जरूर आएगा। अब इनको मैंने क्यों दिखाया? तो गाइस देखो, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, इधर चलो मेरा YT स्टूडियो में। गाइस आज का जो हमारा टाइटल है, यूट्यूबर मत बनना, भले अपना चाय का दुकान ही एक खोल लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो गाइस अभी का जो यूट्यूब का सीन है ना, वो बहुत गंदा है। अभी यूट्यूब सबका व्यूज को डाउन कर दिया, सबका मतलब बोला जाए तो हमारे जो कम्युनिटी में आते हैं जितने भी टेक यूट्यूबर। अब एक चीज दिखाता हूँ मेरे YT स्टूडियो में, ठीक है, यहाँ पर गाइस देखो। और मेरा YT स्टूडियो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि गाइस मेरे पास इतने बड़े बड़े क्रिएटर का YT स्टूडियो नहीं है, इसलिए मैं अपना ही दिखा सकता हूँ जो कि मेरे पास है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अर्निंग हो रहा महीने का, महीने का है गाइस 2275। यहाँ आप लोग को दिख रहा कर्सर ब्लिंक कर रहा, गाइस 2275 रुपया मैं 1 महीने में कमाता हूँ, 1 महीने का। भाई ये तो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स का, ये 1 दिन का छोड़ दो 1 घंटे का कमाए। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग व्यूज को देख करके अगर आप लोग के मन में कुछ भी डिमोटिवेट फील होता है तो आप लोग एक चीज सोच लेना कि जब हम लोग यूट्यूब पर नया नया आते हैं तब ना हम लोग को अर्निंग होता है, ना हम लोग को स्पॉन्सरशिप मिलता है, तब हमारे पास ऐसा कौन सा मोटिवेशन का टोटका मिल जाता जो कि हम लोग आंख बंद किए मेहनत करते जाते हैं। उतना छोड़ो यार, जब मैंने 2020 में आया था यूट्यूब पर, लगातार 6 महीना रगड़ के एकदम मेहनत किया था, ना स्पॉन्सरशिप मिलता था उस टाइम, ना मुझे एडसेंस ही अर्निंग होता था, मतलब मोनेटाइज ही नहीं था, कहां से अर्निंग होगा। तो बताओ मैं उस टाइम 6 महीना बिना 1 रुपया कमाए वीडियो में, बिना कुछ व्यूज के, 80-90 व्यूज के 6 महीना काम कर सकता हूं? तो बताओ यहां पर 2275 मिल रहा, उससे तो लाख गुण, मतलब भाई बहुत बेटर है। एक तरफ 0 आज से 2 साल पहले और एक तरफ 2275, तो प्रसाद थोड़ा सा मिल रहा लेकिन मिल तो रहा, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है गाइस। अगर आप अपना अभी आप काम कर रहे हो, अगर आपको ऐसा डिमोटिवेट फील होता कि आपका व्यूज जो डाउन हो रहा, गाइस इन क्रिएटर का जो व्यूज डाउन हो रहा है, इनका क्या है कि एल्गोरिथम में अभी खराबी है, ठीक है, हो सकता कम, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ कि एल्गोरिथम में भी खराबी नहीं है, अगर मेरे चैनल पर ही कोई खराबी है, अगर मेरा व्यूज 1 लाख आता है उसके जगह 50,000 आ रहा है, तो यार क्या खराबी है इसमें? अगर कोई बंदा डिमोटिवेट करके यूट्यूब को अगर छोड़ता है, अगर आप लोग में से ही किसी का 500,000 व्यूज आता था लेकिन बीच में नहीं आ रहा व्यूज, अगर गाइस आप लोग यूट्यूब को छोड़ते हो तो सबसे बड़ा बुड़बक वाला काम करते हो, क्योंकि जिस टाइम हम लोग चैनल नया खोलते हैं उस टाइम हमारे अंदर कैसा जोश रहता, जो कि गाइस ना एक वीडियो पोस्ट रहा था चैनल पर, फर्स्ट वीडियो जिस दिन हम लोग पोस्ट करते हैं उस टाइम का जोश लाओ अपने चैनल पर, गाइस देखना आपका चैनल एक दिन फिर से चलेगा। लेकिन हाँ, एक नीच लेकर के काम करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने बोला कि चाय का दुकान खोल लेना लेकिन यूट्यूबर मत बनना। तो गाइस मैं अभी एक चीज बता दूं, जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ ना यूट्यूब से, मेरे से ज्यादा एक चाय बेच करके इंसान कमाता होगा, पर डे का 500 रुपया कमा लेता होगा कोई चाय का दुकान में, तो महीने का 15,000, मैं महीने का कितना कमा रहा हूँ? 2275। लेकिन गाइस एक चीज बता दो, एक बार अगर आपका ब्रांड वैल्यू बन गया यूट्यूब पर, एक बार फेस वैल्यू बन गया, इतना ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलेगा ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊं, कि गाइस जो
एक जो महीने का चाय वाले का होगा ना, महीने का पैसा वो आप लोग एक दिन में कमाओगे। तो ऐसा है गाइस सोशल मीडिया का पेड़, भले थोड़ा उगने में लेट लगता लेकिन बहुत ज्यादा देखे जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो से आप लोग को शायद हो सके इससे बड़ा मोटिवेशन आप लोग को मिला नहीं होगा। तो यार काम करो, एकदम एक निष्ठ पे काम करो और दबा के काम करो, मैं भी आप लोग के सपोर्ट में हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ।